हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम घर बैठ के दुबई में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सामने आज बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने देखा है कि लोगों के फ्रॉड हुआ है दुबई में जॉब दिलवाने के नाम पे। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम खुद की दम पे वहाँ पे जॉब ढूंढें। अब लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी नहीं है कि हम दुबई जाके जॉब ढूंढें, जो कि हम अपनी कंट्री में कहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम कोशिश करें कि हम यहीं से बैठे बैठे जॉब ढूंढ लें। अब आज के टाइम में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको घर बैठ के दुबई में जॉब ढूंढना है, तो ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि आपको करना सिर्फ इतना होता है कि आपको इंटरनेट पर जाके कुछ सही जगह मालूम होनी चाहिए कि आपको कहाँ जॉब ढूंढना है, और आप आसानी से जॉब ढूंढ सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना ये होगा, सबसे पहले तो कि अपना एक इंटरनेशनल CV तैयार करें। इंटरनेशनल CV तैयार करने के बाद आप सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं जो दुबई में हैं, उनको गूगल पर सर्च करिए। आपको इसके लिए सर्च करना होगा जॉब्स इन दुबई या कंपनीज इन दुबई, या आप जिस भी सेक्टर के हैं, जैसे मान लीजिए कि आप टेलीकॉम सेक्टर के हैं या IT सेक्टर के हैं, या फिर आप यूटिलिटी सर्विसेज में हैं, तो आप वैसे सर्च करिए कि वैकेंसीज इन दुबई, तो आपके सामने बहुत सी वैकेंसीज आपके सामने खुल जाएंगी। पर इन सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको कहीं से कोई भी किसी भी तरीके से पैसे मांगता है जॉब दिलवाने के नाम पे दुबई में, आपको उसे पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं। भले ही आपको कितनी भी अच्छी जॉब दिलवा रहा हो, आपको पैसे उसको नहीं देने हैं, क्योंकि पैसे कोई कंपनी नहीं मांगती, ना वीज़ा के नाम पे, ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे। तो पैसे तो कोई भी कंपनी नहीं मांगती है। अब जैसे ही आपको ये सारी वेबसाइट्स आपको मिल गई हैं जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, इसके बाद आपको अपना CV तैयार रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। प्लस इसके साथ साथ जो एक बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है, वो है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, आपके पास आपके पासपोर्ट की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट करती हैं, वो सबसे पहले ये देखती हैं कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं, क्योंकि उनने पता चला आपको रिक्रूट कर लिया, उसके बाद आपकी पासपोर्ट बनने की प्रोसेस चालू हुई, तो फिर वो चीज़ कहीं से कहीं तक नहीं मानते वो लोग। इसलिए आपको पासपोर्ट पहले ही तैयार करके रखना होगा। पासपोर्ट बनवाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, और आजकल पासपोर्ट बहुत इजीली भी बन जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आपके पास जो चीज़ रेडी होनी चाहिए वो ये कि आपका एक CV, आपका एक मोबाइल नंबर जिस पे इंटरनेशनल कॉल्स आ सकें और आप अटेंड कर सकें, नहीं तो पता चल रहा है कि आपके मोबाइल में इतना बैलेंस ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल कॉल्स को अटेंड कर सके, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स जब आते हैं तो उस पे इनकमिंग का पैसा लगता है। इसके बाद आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपकी रेडी हैं तो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे शुरू करना है, इसका बेसिक तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप Naukri.com पर जाएँ, Shine.com पर जाएँ, यहाँ पे भी आपको कंपनीज़ मिल जाएंगी जो दुबई से रिक्रूटमेंट करती हैं। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ पे Naukri.com पर जाके जैसे ही सर्च की जो क्वेरीज होती हैं उसमें आप जब इनपुट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको इजीली आपको दिख जाएगा कि आपको जॉब्स की लोकेशन भी डालने का एक ऑप्शन आता है। आप वहाँ पे दुबई अपनी लोकेशन डाल सकते हैं या UAE डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको उसी पर्टिकुलर लोकेशन की जॉब्स शो होंगी। तो पहली चीज़ तो ये दूर हो गई कि आपको सर्च कहाँ करना है। Naukri.com, Shine.com, फ्रेशर वर्ल्ड, इन सब जगह पे आपको दुबई के लिए जॉब्स मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि ये जेन्युइन नहीं रहती, ये जेन्युइन रहती हैं। डिपेंड करता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी जेन्युइन है और कौन सी फेक है। फेक तो पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि फेक जितनी भी कंपनीज होती हैं वो ऐसे नहीं तो वैसे आपसे पैसे ज़रूर मांगती हैं। और अपना एक मुद्दा आपको तगड़ा रखना है कि हमको पैसे कहीं नहीं देना है यार, क्योंकि पैसे वाली बात जहाँ आ जाती है ना, वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि यार कहीं कुछ ना कुछ घपला है। पैसे अपने को नहीं देना, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई अपनी लोकल इंडियन वेबसाइट्स की। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे गल्फ जॉब्स करके हो गई, ऐसे 4-5 वेबसाइट्स हैं जो आपको UAE में हो गया, दुबई में हो गया, यहाँ पे आपको वैकेंसीज शो करती हैं। तो वो जितनी भी जॉब्स की वेबसाइट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वेबसाइट्स को जा सकते हो। वहाँ पे जाके भी आपको सिंपल यही करना होता है, जैसे कि मान लीजिए आप IT फील्ड के हैं, तो आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए कि IT मैनेजर की जॉब, या आप फिटर हैं तो फिटर की जॉब, फिटर जॉब्स फॉर फिटर, या फिर इसके अलावा जिस भी फील्ड के आप हैं, XYZ जिस भी फील्ड के आप हैं, आपको HR के लिए जाना है, आपको मार्केटिंग मैनेजर के लिए जाना है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जाना है, जिसके लिए भी जाना है, आप वहाँ पे जाके जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको वैकेंसीज मिलेंगी। तो उन वेबसाइट्स पे आपको करना क्या होता है, आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना होता है, पासपोर्ट की डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं, और जैसे ही आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं आपका रिज्यूमे सीधे वहाँ चला जाता है। अब जो आखिरी तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ, ये थोड़ा टफ पड़ता है पर सबसे अच्छा तरीका यही है,
आपको गूगल पे जाके सिंपली सर्च करना है जॉब्स इन दुबई और इसके आगे लिखना है कंपनीज इन दुबई। तो इससे होगा क्या, पहली चीज़ आपको वो कंपनीज दिखेंगी जो दुबई में है और दूसरी चीज़ वो वैकेंसी दिखेंगी जो दुबई में है। करियर सेक्शन में जाके आपको वहाँ पे देखना है कि जो आपकी जो फील्ड है, मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, आईटी फील्ड है, उस फील्ड में उस कंपनी में वैकेंसीज हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आपका लक बहुत अच्छा है, और नहीं है तो आपको सिंपली उस वेबसाइट पर अपना रेज्यूमे तो अपलोड कर ही देना है। हर जगह, हर वेबसाइट पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको सबसे मेन चीज़ जो है वो आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपने आज रिज्यूमे डाला और आपको आज के आज में 10 कॉल आ जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। आप अगर आज रिज्यूमे डालते हैं तो मान के चलिए कि हफ्ते से, डेढ़ हफ्ते से 15 दिन आपको लगेंगे कॉल्स आने में। और सबसे मेन चीज़, आपको एक कंपनी, दो कंपनी, पाँच कंपनी में अप्लाई करके रुकना नहीं है, आपको रिग्रेसली, बिल्कुल एग्रेसिवली आपको धनाधन कंपनीज में अप्लाई करते जाना है। आपको 20 कंपनी दिख रही है, 20 की 20 कंपनी में अप्लाई करिए। ज़रूरी नहीं कि उसमें आपके लिए वैकेंसी है कि नहीं, आप तो अप्लाई करिए। कब कहाँ से आपको कैसे नौकरी मिल जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हो, तो इसीलिए जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ अपना रिज्यूमे डालो, ठीक है। आप रिज्यूमे डालोगे नहीं तो आपको कॉल्स कैसे आएंगे यार। जितने ज़्यादा आप रिज्यूमे अपनी कंपनीज को दोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके पास रहेंगे कॉल्स आने के। बिना ये सोचे समझे कि कैसी कंपनी है, आपको जब तक कोई कंपनी पैसे नहीं मांग रही है तब तक वो कंपनी आपके लिए अच्छी है। एक बार अपन दुबई पहुँच गए ना तो फिर वहाँ पर अपन देख सकते हैं कि दूसरी क्या चीज़ है। मेन चीज़ है दुबई पहुँचना, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। और सबसे मेन चीज़ वही है कि आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है और रिज्यूमे कंटिन्यूसली अपलोड करते रहना, ठीक है। तो मैं अभी कुछ दिनों में और ऐसे वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि दुबई में आपको कैसी जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए और कैसे वहाँ पर आपको कॉशियसली रहना चाहिए, या थोड़ा कैसे कहूँ मैं, सतर्क रहना चाहिए कि वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड ना हो। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो उसको भी कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।